मुजफ्फरनगर जनपद में पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर शातिर बदमाश को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक काली बाइक पर दो बदमाश मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना क्षेत्र के एक बैंक में रेकी करने गए थे। बैंक के पास गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों ने जब बाइक पर बैंक की रेकी करने गए संदिग्ध युवकों को रोकने का प्रयास किया तो बाइक सवार बदमाश पुलिस को देख जंगल की ओर भाग निकले। बुढ़ाना पुलिस ने बदमाशों का पीछा करते हुए उन्हें जंगल में गिरफ्तार करने का प्रयास किया, जिसमें बदमाशों ने पीछा कर रहे पुलिस जवानों पर फायर कर दिया। इसमें बुढ़ाना पुलिस का एक सिपाही हाथ में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को घायल कर गिरफ्तार कर लिया, जबकि घायल बदमाश का दूसरा साथी जंगल में बाइक छोड़कर फरार हो गया। एसपी देहात अतुल कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि दोपहर बैंक के बाहर बाइक पर सवार कुछ संदिग्ध युवक घूमने की सूचना पर बैंक के बाहर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिस पर बाइक सवार बदमाश जंगल की ओर भागने लगे। पुलिस जवानों ने पीछा करते हुए बदमाशों को सरेंडर करने के लिए कहा, पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए एक पुलिस जवान को घायल कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए बुढ़ाना थाने का हिस्ट्री शीटा बदमाश मतलूब को घायल कर गिरफ्तार किया। घायल बदमाश का एक साथी पुलिस को चकमा देकर घटनास्थल से फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर जंगल में कॉम्बिंग की जा रही है। गिरफ्तार किए गए बदमाश के खिलाफ मुजफ्फरनगर पथ के कई थाना क्षेत्रों में 24 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें लूट, चोरी और गौ तस्करी के मामले हैं। और थाने की पुलिस चेकिंग कर रही थी, उसी चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति आते हुए देखे। पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया तो उनको रुके नहीं और भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो पुलिस पार्टी पर उन्होंने जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोलियां चलाईं, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। एक बदमाश मौके से भागने में सफल रहा। बाद में बदमाश से जब पूछताछ की गई तो पता चला वो सखेड़ा थाना क्षेत्र का रहने वाला एक हिस्ट्री शीटर है और वो उस पर करीब 2 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं और वो हिस्ट्री शीटर है। उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है कि किन कारणों से वो थाना शाहपुर क्षेत्र में घूम रहा था, इसके बारे में विस्तृत जांच की जा रही है, आगे पूछताछ जारी है। एक पुलिसकर्मी को भी चोट लगी है, उसका भी इलाज कराया जा रहा है और बदमाश का भी इलाज कराया जा रहा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।